ये वाला पार्ट नीचे लगा, थोड़ा सा हिलसा गया, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब ये यहाँ से अभी चटका है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। किस बात की राइट दे रहे हो आप इससे? किस बात की है ना, टेलर के लिए जाना तुमने? भाई दांत रे तू सही मजे ले रहा है यार, है? वाया। आपने खुद काट के दिया मम्मी से? तो कौन काट के देगा? अरे तू दांत ले खुद काटेगा, आपके परेशान हो रहे हो इसके लिए? हैं? कई बार ला रहे हैं, कई बार काटा जावे। हाँ। इसके लिए परेशान होगा? कई बार काटा जावे। हूँ के? दांत ले तू यहाँ पड़ा इस पे सुबह ते बैठ पे जबरो कुत्ते की तरह। अच्छा जी, जब काम करवाने रहा जब मम्मी, तरबूज शक्ल से मीठा नहीं लग रहा ऐसा, सच बताऊँ तरबूज मीठा दांत ले? तरबूज मेरा मनपसंद ना, खाऊं ना मैं तो फिर ये रही है मेरे को। ओहो मैं समझ गया। आपने तो साथ स्कीम बेच दी, खराब होने वाले होंगे, काट के दे दिए कि बेटा खा ले। निस्वार्थ प्यार का क्या हो? मम्मी ऐसे ही कर, मैं समझ गया, दांत रे भी समझ गया। मम्मी सड़ गया है ना तरबूज दिखाना, खत्म। कल आए हैं इसी ने मंगवाया अर्जुन ने। नहीं नहीं, अच्छा हाँ तो वो समझ गया मैं, खत्म खराब होने वाले थे इसलिए आपने काट के दे दिया कि ये निपटा देगा दांत ला। इसका कोई दीन ईमान है नहीं तो? इसका कोई दीन ईमान है नहीं, इसे कटा कटा है तो कुछ भी मिल जाए खा जाएगा। हाँ भाई सही कह रहा, पहनावा कटा कटा क्यों खा जाऊंगा? हेयर स्टाइल देगा ना अपना, तो कितना डेंजर लग रहा है। कर ले तो फिर भाई, अब तो दोनों गाड़ी अगर एक साथ खड़ी हूँ तो भी मैं स्कॉर्पियो का हाथ नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बीएम ही चला रहा हूँ आजकल, सिर्फ इसी से काम चल रहा है मेरा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक सेकंड, हाँ मैं क्या कह रहा था यार, इसकी ये जो लाइट जल रही है, मेरे पे पिछली वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ये हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, भाई हैंड ब्रेक तो डाउन है यार, बिल्कुल डाउन है ठीक है, और ये जो इंजन लाइट है ये इसकी पता नहीं जलती ही रहती है, इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं मेरी भी समझ में नहीं आया। मैंने जतिन से पूछा भी था तो वो कह रहा है एक बार दिखा के लाऊंगा, मैंने कहा चल ठीक है। ये थार अपनी यहाँ खड़ी है भाई, इसे नहाने के बाद शायद अच्छा नहीं लग रहा है ना, नहाने के बाद ये अच्छा फील नहीं कर रही है गाइस, चिल तो कर रही है, ये चिल तो करती ही है ये पूरे दिन पर। भाई ये नहाने के बाद इसको थोड़ा सा वैसा लगता है कि मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ भाई, क्योंकि मेरे साथ रहती है ना तो बिना नहाए ही हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं दोनों की भी। देख ऐसे करवाने में ना मतलब बहुत रो देते हैं डॉग, ये कुछ नहीं कहती भाई, बिल्कुल सीधी है, मतलब मेरे को कुछ नहीं कहती, बाकियों को तो चीर फाड़ देगी। गाइज बिना नहाए तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने का भी मन नहीं कर रहा था, और मेरे को खुद भी कैमरे पर अपने आप को देखने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं छुपा रहा था अपनी शक्ल। तो फिर मैंने सोचा घर जाके पहले नहा लेता हूँ भाई, घर आकर नहाया हूँ, नहाने के बाद फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा चलो हाँ ठीक है। तो यार मेरे को दाने वाने से ना कुछ ज़्यादा हो रखे हैं, अभी पता नहीं पानी कम पिया मैंने पिछले कुछ दिनों में उसकी वजह से हो रखे हैं या क्या चक्कर है, ऐसा तो मैंने कोई नया प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं किया कि भाई कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करी हो जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं भाई। ये कैसे एकदम से गेट बंद हुआ भाई, डर सा लग गया पीछे से, मैंने कहा क्या चीज़ है। ओ ये खिड़की खोली थी ना उसकी वजह से हुआ होगा। एनीवेज भाई मैं क्या कह रहा था कि जो अपना जो वो वाला बीपीटीपी वाला जो अपना दूसरा मतलब ऑफिस या घर लगा लो, घर ही है भाई अब तो, वहाँ रह रहे हैं तो घर ही लगा लो, जो वो दूसरा वाला घर है वहाँ सांप निकल आया था, उसके बाद से फिर हमने वो कर दिया। बाद से क्या मैं पहले भी यही प्लान चल रहा था कि अगर इसी बिल्डिंग में इसी घर के साथ आसपास में कोई दूसरा घर भी मिल जाए तो फिर ये रहेगा कि मेरी वो नहीं रहेगी मतलब उधर भी इधर भी, वो चक्कर हट जाएगा फिर एक ही मतलब ऐसे कि यहीं है, फिर मम्मी भी ऐसे कि साथ ही हैं, और फिर कीवी की भी इतनी टेंशन नहीं रहेगी, मतलब ऐसे रहेगा फिर तो एक घर ही लगा लो, एक घर ही हो गया। अभी दिक्कत ये है कि मम्मी ने वैसे तो परमिशन दे दी है कि भाई कीवी को ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, पर मम्मी को डर लगता है और फिर वो बीपी हाई हो जाता है, और बीपी फिर मतलब यही है कि अगर बाय चांस दिक्कत आ गई तो फिर वो मतलब डॉक्टर वॉक्टर के पास भागना पड़ेगा और थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो रिस्क नहीं ले सकता मैं मम्मी के केस में तो कम से कम, तो वो चक्कर है। तो इस चक्कर में मैंने दूसरा घर जो देख रहा था वो दूसरा घर हमें मिल गया है इसी उसमें, मतलब अब देखना जाऊँगा एक बार घर देखाऊँगा, और उसके अभी तो कोई रह रहा है वो खाली हो जाएगा शायद 15 तारीख को, तो उसके बाद शायद हम शिफ्ट करेंगे 15 को या 20 के आसपास होएगा, तो हो सकता है हम 1 तारीख से शिफ्ट करें, तो दूसरा घर हमें इसी बिल्डिंग में मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब कोई दिक्कत नहीं आई तो अगर कोई बाई चांस कुछ गड़बड़ हुई घर में ही कुछ पसंद नहीं आया तो अलग बात है, अदरवाइज हमें इसी फ्लोर पे भी मिल रहा है और एक नीचे भी मिल रहा है, दो घर मिल रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा फाइनल करेंगे उनमें से। फिर उसके बाद जब एक बार घर फाइनल हो जाएगा उसके बाद फिर ये भागा दौड़ी वाली टेंशन खत्म, ठीक है फिर ये हो जाएगा एक जात एक साथ ही रह रहे सारे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद घर को घर जैसा बनाएंगे, मतलब अभी बहुत सारे अभी तक देखो हमारी शादी को भाई 4 महीने हो गए हैं, 3-4 महीने हो गए हैं, मतलब 3 महीने हो गए, और ये सामान हमारा अभी तक ऐसे ही पैक्ड रखा है, इसमें ही लहंगा शेरवानी ये सब भी हो सकता है इन्हीं के अंदर पड़ी हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ पड़ी है इनमें, पर ये ऐसे ही पैक्ड रखा हो। जब से शादी को 3 महीने हो चुके हैं उसके बाद से हमारा सामान तक नहीं खुला, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो बैग उठाया इसी में थोड़े से कपड़े इधर उधर चेंज करे कर लिए, 4 हैं ये 1, 2, 3 और 4 अभी तक ऐसे ही रखे हैं। फॉर अ चेंज आज हमारी मम्मी जी मूवी देख रही हैं, ये देखिए
कौन सी मूवी देख रहे हो? सीता कौन सी? सीता मम्मी के ना सा और श में थोड़ी सी दिक्कत है, आवाज तो बंद कर दो इसकी कम से कम। हैं हमारी उसमें यही सुनाओगे क्या? धर्मेंद्र देखना क्या डेंजर है बेटे, पहले ही मूवी होएगा खतरनाक करती बता ना। अरे भाई रुक जाए यार, धर्मेंद्र है तो रुक भी नहीं रहा भाई। क्या नाम है मम्मी जी? आज इतना चेंज कैसे? क्यों चेंज नहीं कर सकते यार, ये आपसे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। बच्चों को सुन ली अपनी हनुमान चालीसा सुबह सुबह कर ली। अच्छा कर लिया सारा धार्मिक काम मम्मी का हो गया था, उसके बाद फिर ये देखते हो आप। मम्मी यार इतनी गर्मी, भाई कमेंट करके बताना कौन कौन बिना पंखे के रह रहा है अब भी। मेरे को लगता कोई भी रह रहा होगा। मेरी मम्मी देखना, मेरे को एक मिनट में पसीने आ गए, देखो पंखा बंद। मेरे को नहीं लगती गर्मी। ठंड लग रही है आपने अभी? ठंड भी ना पर गर्मी भी ना लग रही। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है तो रहने दे। बताओ हद ही है, मतलब कोई लिमिट हो गया एक इंसान की कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है तब तो कुछ वो हो गया। नहीं पंखा चलाओगे ना पूरी गर्मी है? रात को तो मैं आप ओढ़ के और सोते होगे कुछ? अरे भाई साहब बिना पंखा चलाए? बिना पंखा चलाए ओढ़ के सोने की कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे मेरे को भी है कि कुछ ना कुछ चाहिए चद्दर उद्दर ओढ़ने के लिए चाहिए, पर पंखा चालू रहेगा एसी भी चालू रहेगा तब एसी भी चलेगा मेरा तो। मम्मी का अभी एसी तो छोड़ो पंखा ही ना चला अभी तक भाई, बताओ क्या कर सकते हैं मम्मी का? कुछ नहीं कर सकते यार, मैं थोड़ा सा ओवर तैयार होके जा रहा हूँ। मतलब मेरे को एक बार अभी तो वहाँ जा रहा हूँ ऑफिस पे, फिर मेरे को एक बार जाना है एमबीएस मॉल, क्योंकि मैंने जो अपनी वाइफ को रिंग दी थी प्रपोजल पे, प्रपोजल रिंग जो दी थी उसका डायमंड जो हट गया था, मैंने शायद दिखाया भी था आप लोगों में, तो वो पता नहीं कैसे हट गया था, ब्लू स्टोन से ली थी भाई। मैंने उनसे जाके कहा भी, वो जानते थे तो मैंने थोड़ा सा वैसे नहीं कहा, तो वो लगवा के उन्होंने दूसरी नई रिंग बनवाई है, तो वो नई रिंग तैयार हो गई है, बस जाके वो उठानी है। उनके कई बार फ़ोन आ चुके, कम से कम भी 15 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर आ जाओ उठा लो उठा लो उठा लो, टाइम ही नहीं मिल रहा भाई, और सही है नहीं मिल रहा, तो बिज़ी रहना चाहिए इंसान। इसमें पता नहीं भाई ये क्या अलग अलग तरह के वो दिखाता रहता है निशान से, कुछ कुछ आते ही रहते हैं, कई बार अपने आप चले जाते हैं कई बार अपने आप वापस आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ मेरे को ना पहले ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल भी जो बैक कैमरा जो होता है उसकी बिल्कुल आदत नहीं थी गाड़ी में, मतलब ऐसा मैं पीछे देख के मोड़ा करता था, ऐसे आदत थी भाई कि ऐसे पीछे देखा, ये दोनों साइड के शीशे यूज़ कर लिए देखने के लिए, कैमरे में नहीं देखता था। लेकिन अब भाई ऐसी आदत पड़ रखी है, स्कॉर्पियो चला चला के वो उसमें कैमरा है, अब तो जतिन ने थार में भी लगवा दिया खैर, तो उनमें दोनों में ही कैमरा है, तो ऐसा लगता है कि कैमरे में देख के ही मोड़ने की आदत पड़ गई, सेंसर वेंसर का भी ऐसा लगता है कि कहीं भिड़ ना जाए। गाइस वोक्सवैगन की मैंने अभी एक गाड़ी और देखी है जा रही, वेंटो ये ना, ये वेंटो था शायद, मैंने पहली बार देखी गाड़ी, पर वैसी सी है ये भी, होंडा सिटी और वरना के उसके उनके सेगमेंट में, पता नहीं अब कितनी की आती होगी, कमेंट करके बताना जरा इसका प्राइस। ये सनरूफ की बड़ी दिक्कत है यार, धूप बहुत ज़्यादा तेज आती है तो इसको बंद ही करना पड़ता है दिन में, मेरे को फील वैसे आती है खोल के, पर गर्मी आती है क्या फ़ायदा। गाइस कोई एक्सीडेंट हुआ शायद यहाँ पे, ट्रैक्टर वाले ने शायद मार दिया भाई गाड़ी में, ये गाड़ी खड़ी है एक सेकेंड अभी देखता हूँ। ना गाड़ी में तो नहीं मारी यार, कुछ और मैटर है शायद भाई। इसका नीचे होने का यार बहुत ज़्यादा नुकसान है भाई, अभी ये यहाँ से उतार रहा था तो इसका ये हिस्सा लगा नीचे, अभी पता नहीं इसकी वजह से ये हिला है या फिर क्या चक्कर है, पर हाँ ये वाला पार्ट नीचे लगा थोड़ा सा हिलसा गया, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब ये यहाँ से अभी चटका है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं। देखो अगर कायदे से देखा जाए तो इधर साइड से लगी तो हुई है, ये तो मैंने नहीं मारी 110%, पर भाई जो ये नीचे से लगी है, और इसका एक काम करता हूँ एक बार जतिन से फ़ोन करके पूछता हूँ कि मैंने ठोकी है, मतलब ये इतनी तेज़ आवाज़ तो नहीं आई थी, पता नहीं अब फ़ोन करके पूछता हूँ। भाई मैंने अभी जतिन को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे वो लगी है, क्या नाम है, मतलब लगी क्या नीचे थोड़ा सा, जैसे रोड से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं ना, तो जब यहाँ एंट्री कर रहा था सोसाइटी में थोड़ा सा नीचे उतर रहा था तो हल्की सी आवाज़ आई थी बिल्कुल, मैंने कहा थोड़ी सी ऐसे लगी है, तो वो पहले से निशान पहले से टूटी हुई थी कुछ, ये कैसे कह रहा है? अरे बिल्कुल नहीं थी, आगे से तो कोई निशान ही नहीं था, ये है वो तूने मारी। मैंने कहा भाई ये तो निशान, और पहले अगर मैं पहले पुरानी वीडियो देखूंगा अभी चेक करूंगा, अगर ये भी शायद हो सकता पहले से ही हो रखी हो, क्योंकि आगे से ना एक बार भिड़ी थी, पता नहीं कहाँ भिड़ी थी मेरे को याद नहीं है, पर हाँ आगे से भिड़ी थी तो पहले से ही हो रखा होगा। मैंने कुछ नहीं करा, थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, बस ये चटका होगा मेरी तरफ मेरी उससे, मतलब जो ये निशान है ये वाला बस, और वो भी इसलिए क्योंकि ये नीची ज़्यादा है यार, पर अब नीची ही चाहिए, क्या कर सकते हैं। क्या बना दिया भाई जल्दी से, ठीक है चाहिए राजमा, अच्छा राजमा, राजमा राइस हैं, राजमा राइस और रायता भी बना रहा ना, राजमा राइस रायता खाएंगे गाइस,
कीवी कहाँ है हमारी? कीवी चिल कर रही है भाई, ठीक है। मैंने अभी लैपटॉप चलाया, इसका ये टेबल मेरे को बहुत पसंद आया। इसने क्या कर रखा है, ये जब से बीमार हुई है तो ब्रेकफास्ट टेबल भी यही है, और ये काम करने के लिए मतलब थोड़ा बहुत जैसे कुछ भी काम करना हो लैपटॉप पे कुछ भी, तो ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ और अपना काम करते रहो, मस्त कंफर्टेबल है। मतलब लेट के सारा काम हो जाएगा क्योंकि बेड रेस्ट चल रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम मैं भी कुछ देख लूँ, बहुत टाइम के बाद मैंने लैपटॉप के हाथ लगाया बहुत टाइम बाद। चलो गाइस थोड़ा सा काम करके अपना खाना वाना खा लेते हैं, फिर तुमसे बाद में मिलेंगे, ठीक है। अभी तो ये छोटे से व्लॉग को मैं एडिट करके फटाफट डाल देता हूँ। एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें, ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, कोई भी कभी नया मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ, कभी कोई नया काम धंधा शुरू करो तो भाई चुपचाप करना, किसी को मत बता करना, क्योंकि तुम्हें सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं और तुम्हारा नुकसान चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना, याद रखना ये बात मेरी। मतलब ये बहुत नॉर्मल तरीके से कह दिया, अगर इसके पीछे बैकग्राउंड में इमोशनल वैसा म्यूज़िक लगा देंगे तो ये बहुत खतरनाक बात बन जाएगी, पर सच्चाई यही है भाई, सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, नुकसान चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपना काम करो तो मस्त करो, और फिर जब पहुँच जाओ किसी लेवल पर तब बताओ। मतलब ये मैंने खुद सीखी है चीज़, तो मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मैं जिम गया था पर मैंने वीडियो क्लिप डाली नहीं, क्योंकि मैं डालता हूँ ना तो फिर मेरे पता ना कोई एक ऐसा इंसान है मेरे आसपास जो मेरे नज़र लगा देता, फिर मैं इसलिए मैं वो कर नहीं पाता। तो मैंने कहा चल छोड़ो, हल्की बहुत बीच बीच में कभी कभी डाल दिया करूँगा, पर जिम करूँगा रेगुलर। अब तुम्हें वो दिख जाएगा, थोड़े कुछ दिन बाद तुम्हें खुद ही कह दोगे भाई कौन सा डब्बा ले रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसी हालत कर दूँगा, ऐसा शरीर बना दूँगा। फिलहाल के लिए बाय बाय।